जितना गुरु ने सिखाया उतना ही मुझको ज्ञान है। त्रुटियों को करना माफ तुम ये रामदास अनजान है। सुनिएगा रामदास अनजान के माध्यम से एक कीर्तन जो अपने आप में विशेषता रखता है, बिल्कुल नई चीज है और प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। मुकेश भैया ऐसा इस गीत के अंदर उदाहरण दिया गया है जो जिसके लिए आपको किसी भी ग्रंथ में किसी भी किताब में खोजने की आवश्यकता नहीं है। सुनिएगा कोई कहता है और शौचाल पहले ऐसी चीजें हैं जो आज भी हैं और कल भी रहेंगी। देखिए विशेषता गीत की, सदियों से पहले धरा पे भगवान था, धरा पे भगवान था, तभी एक निशान था, खास एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। विशेष बात यह है पुष्पेंद्र जी कि हम कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं जो आज भी हैं और कल भी रहेगी। जब तक ये सृष्टि रहेगी तब तक उनका विनाश नहीं होगा और सृष्टि के विनाश के साथ में वो चीजें विनाश हो सकता है। लेकिन पहला उदाहरण सुनिएगा, बुआ जब सेतु बंद निर्माण राम ने छोटा जीव लगा था, भगवान श्री राम लंका पे चढ़ाई करने के लिए पुल का निर्माण कर रहे थे तो नल नील की सहायता से पुल बांधा जा रहा था, तो उसमें राम की दृष्टि पड़ी एक बहुत छोटे से जीप पर जो धूल में लोड करके आता है, पुल पर अपनी धूल को हिला देता है। तो भगवान श्री राम ने देखा, अरे ये भी मेरी सहायता कर रहा है। हुआ क्या, हुआ जब सेतु बंद निर्माण राम ने छोटा जीव लगा था, और तब श्री राम ने उसकी पीठ पर दया का हाथ रखा था, तब श्री राम ने वाला है जो आज भी है और कल भी रहेगा। ये किसी पुराण में ढूंढने से नहीं मिलेगा, लेकिन सत्य बात है। गिलहरी के तन पर हर के हाथ का निशान था, तभी एक निशान था जो आज भी है और जो आप धारी देखते हैं वो कभी मिट नहीं सकती हैं। ऐसा ही एक और उदाहरण सुनिएगा,
थक गई जब सीता माँ तो बोली धरती मैया से। सीता माँ अपनी परिचय देते देते परेशान हो गई तो अंत में धरती से प्रार्थना करने लगी, हे माँ फट जाओ जगह दे दो पाके मुही रवैया से। जगह दी सीता माँ धरती में जाने लगी, उसी तरह लक्ष्मण की निगाह पड़ गई और लक्ष्मण जी सीता को पकड़ने के लिए भागे। तब तक सीता धरती में जा चुकी थी, लक्ष्मण के हाथ में केवल सीता का केश आ पाए थे। हुआ क्या, लगन ने कहे केश, लगन ने कहे केश, लगन है लान था तब हाथों में निशान जो आज भी है और कल भी रहेगा। हाथों के जो निशान है, रेखाएं हैं, ये कभी मिट नहीं सकती हैं। ऐसा ही एक निशान और है उसमें भी। जब गौतम ऋषि की नारी अहिल्या इंद्र ने जाय छली थी, मुर्गा ये बना चंदा उसने जानी नहीं भली थी। मुर्गा ये बना तुम्हारे घर में छल हो रहा है। गौतम ऋषि उसी समय लौट करके आए तो चंदा को दरवाजे पर मिला, मुर्गा बना पाए। तो देखा गौतम ऋषि ने क्रोध में आकर के क्या किया, चंदा के तन पर मुनकी, चंदा के तन पर मुनकी धोती का निशान था, बना एक निशान था जो आज भी कल भी रहेगा। और भैया मुकेश, समय का अभाव देखते हुए अंत में कहना है, जब अर्जुन और श्री कृष्ण आए थे मोर ध्वज के द्वारे, ये भूखा शेर हमारा है नृप अपना ललन खिलारे, ये भूखा मेरा शेर द्वारे पर आकर के अर्जुन का मोह दूर करने के लिए भगवान कन्हैया ने क्या कहा, मोरद्रथ से उसके पुत्र का मांस मांगा और ये कहा कि अपने हाथों से राजा और रानी मिलकर के आरा चलाना पड़ेगा और वो भी आरा लोहे का नहीं होना चाहिए, लोहे का आरा नहीं होना चाहिए, आरा भी तुम्हें शक्ति के बल पर बनाना पड़ेगा। तो मोरद्रथ जगह जगह घूमे लेकिन आरा किसी ने नहीं दिया, तो एक नीम के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ गए। उसी समय एक करिश्मा देखा, हुआ क्या, नीमों के पत्ते में भी, नीमों के पत्ते में तब आरे का निशान था, राजा है रान था जो आज भी है और कल भी रहे।
सदियों से पहले हर का यहाँ पर पैगाम था, खास एक निशान था जो आज भी है और कल भी रहेगा। माध्यम से जिनका मोबाइल नंबर है 97-58-61-31। हमारे संगीतकार मुकेश कुमार हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 97-58-92-59-18। आप सुबह हैं कीर्तन की एक झलक, आज भी है और कल भी रहेगा।